दोस्तों, क्या आपने कभी लंबी कूद या लॉन्ग जंप देखी है? मोस्ट प्रोबली आप में से ज्यादातर लोगों ने लॉन्ग जंप ना सिर्फ देखी होगी बल्कि इसमें पार्ट भी लिया होगा। खैर, जो भी हो, क्या आपने ध्यान दिया है जब एथलीट को लॉन्ग जंप करना होता है तो वो क्या करता है? क्या वो जंप लगाने वाले स्थान पर खड़ा होता है और वहां से ही जंप लगा देता है? नहीं, वो तो कुछ कदम पीछे हटता है, दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ता है और फिर जंपिंग लाइन के करीब पहुंचकर छलांग लगा देता है और जंप पूरी करता है। एथलीट का ऐसा करना बड़ा नेचुरल लगता है। जिसने ये खेल नहीं खेला वो भी आसानी से समझ सकता है कि लंबा कूदना है तो कुछ पीछे जाकर मोमेंटम बनाना और कूद लगाना एक सही टेक्निक है। पर जब खेल से हटकर असल जिंदगी में बात आती है तो ज्यादातर लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि किसी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए पीछे भी जाना पड़ सकता है। क्या है पीछे जाना? पीछे जाना यानी अपनी करंट सिचुएशन, जिसके आप यूज्ड टू हो चुके हैं, को छोड़कर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे छोड़कर कुछ और पढ़ाई करना, या कोई और बिजनेस करने के लिए करंट बिजनेस को बैक बर्नर पे रखना, अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का काम शुरू करना या कुछ और। ध्यान देने वाली बात है कि आप ये काम किसी मजबूरी में नहीं करते, आप इसे अपनी मर्जी से करते हैं। मे बी आपकी करंट सिचुएशन आपको पसंद नहीं, पर फिर भी आप उसके यूज्ड टू हो चुके हैं, और अगर वो चलती भी रहे तो भी आप एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हैं। पर आप जानते हैं कि आप तो लंबी कूद के लिए बने हैं, इसलिए रह कर आपके अंदर एक खलबली सी मचती है कि हटाओ ये सब, छोड़ो इन छोटी मोटी चीजों को और लग जाओ अपने बड़े सपनों के पीछे। क्या होता है जब ऐसे ख्याल आते हैं? इन ख्यालों के आने पर मैक्सिमम लोग हर बार खुद को समझा ले जाते हैं, रुको अभी रिस्क लेना ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे। लेकिन बाल काले से सफेद हो जाते हैं, पर वो कुछ दिन बीतते ही नहीं और आप सालों तक या फिर पूरी लाइफ उसी सिचुएशन में पड़े रह जाते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, पर अगर आप भी इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो एक बार फिर से सोचिए कि कहीं आपको भी उस एथलीट की तरह कुछ कदम पीछे जाकर दौड़ लगाने की जरूरत तो नहीं है, कहीं आप अपनी लंबी छलांग लगाने की एबिलिटी को दबाकर तो नहीं बैठे हैं। और यदि ऐसा है तो पीछे हटने से मत डरिए, ईश्वर ने आपको जो काबिलियत दी है उसे अपने बेकार के डर से मत दबाइए, कुछ पीछे हटिए और एक लंबी छलांग लगाकर अपने सपनों को साकार करिए। आपको भी सोचना होगा कि कहीं समय के साथ आपका जीवन सिर्फ लंबा तो नहीं हो रहा, कहीं रोजमर्रा की आपाधापी में आप इसे गहराई देने से चूक तो नहीं रहे, कहीं कुछ बड़ा करने के लिए आपको भी पीछे हटने की जरूरत तो नहीं। और अगर लगे कि जरूरत है तो हर बार की तरह इस बार भी खुद को रोकिए नहीं, आगे बढ़िए, अपने सपनों का पीछा कीजिए और उन्हें हकीकत में बदल डालिए। ऑल द बेस्ट।